हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के चार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की ओपनिंग कैसी हुई। आज गैप अप ओपनिंग हुई। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे तीनों प्रोबेबिलिटी बन रही है। मार्केट गैप अप भी खुल सकता है, फ्लैट भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेवल्स और उन लेवल्स के अराउंड किस तरह का प्राइस एक्शन होता है। तो प्राइस जो है गैप अप खुला, सपोर्ट लेवल्स जो था उसके ऊपर खुला, और जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे 18,120 से लेके 18,100 के उसके नीचे खुला। करीब करीब रेजिस्टेंस के आसपास का ही यहाँ पे हाई बनाया। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल 1825 का था, वहीं पे हाई बनाया। उसके बाद हम लगातार वहां से गिरावट देख रहे हैं, और कल के चार्ट देख के लग भी रहा था कि ये जो गिरावट है आगे कंटिन्यू हो सकती है। कल एक इमिडिएट सपोर्ट था 18,050 से लेके 18,030 का, जिसको होल्ड कर रहा था। तो ये आवली चार्ट का सपोर्ट था। इस तरह के सपोर्ट बहुत ज्यादा मार्केट आसानी से तोड़ सकता है, बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड नहीं कर पाता। तो वो लेवल्स आज आसानी से टूटते हुए नजर आए। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स जो है 17,850 से लेके 17,650 के आसपास है। ये आपके डेली चार्ट के सपोर्ट हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट आ चुका है। आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल के पास आते ही यहाँ पे आज का जो लो बना है करीब 17,890 के आसपास बना है, वहां से हमें काफी अच्छा बाउंस देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि लास्ट घंटे की जो कैंडल थी ये काफी बड़ी कैंडल बनी और काफी वॉल्यूम के साथ बनी। यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा था जिसे हम साइफो पैटर्न कहते हैं। तो उस साइफो पैटर्न का जो पीआरजेड एरिया था वो करीब करीब वहीं पर आ रहा है जहां से ही बाउंस बैक किया। तो अब बात करते हैं कि कल हम किस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी जो है एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, और ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये डेली चार्ट का सपोर्ट, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइसेस काफी बार पिछले टाइम में क्लस्टर यहाँ पे बनाया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 23 दिसंबर वाले वीक में भी यहाँ से हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। हटा देती हूँ मैं, एक अच्छी खासी इसी लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली थी, और मार्केट करीब करीब वही फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और आज की अगर हम कैंडल देखें, एक बियर कैंडल जरूर बनी है, लेकिन इस कैंडल की जो शेडो है वो भी काफी बड़ी है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि नीचे के लेवल पर यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आ रही है। तो कल बात करें कल किस तरह की ओपनिंग हो सकती है, तो कल चांसेस है मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होगा तो भी रिकवरी की कोशिश करेगा, गैप डाउन होता है तो भी वहां पे चांसेस ज्यादा है कि मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा। ये जो सपोर्ट लेवल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत आसानी से यहाँ पे फिलहाल टूटते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अगर ये टूटेंगे तो हम मार्केट को फिर से रिविजिट करेंगे। फिलहाल कल मुझे लगता है ये लेवल्स होल्ड होंगे और नीचे के लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। और कल वीकली क्लोजिंग भी है, कल फ्राइडे है, तो कल का मूवमेंट काफी डिपेंड करता है कि आगे आने वाला हफ्ता किस तरह का हो सकता है। तो अगर हम वीकली चार्ट देखें तो लास्ट वीक एक अच्छी तेजी की कैंडल यहाँ पे बनी थी, एक पीओसी कैंडल आप कह सकते हैं यहाँ पे बनी थी। उसके बाद हमने तेजी नहीं देखी है। इस वीक में आप जो मूवमेंट देख रहे हैं वो पिछले वीक की रेंज के अंदर ही यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर क्लोजिंग इसी वीक के पिछले वीक की रेंज के अंदर होती है तो चांसेस हैं कि निफ्टी जो है ये सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करेगा और एक साइडवेज यहाँ पे मूव ले सकता है। तो आप जो ये सपोर्ट लेवल देख रहे हैं 17,850 से 17,670, ये मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो है आपके वीकली चार्ट पे भी काफी वैलिड है। तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ये आसानी से मार्केट इसे तोड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। तो अगर आपके शॉर्ट्स हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। आप पार्शली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर नए शॉर्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ पे जो है मार्केट क्योंकि सपोर्ट के आसपास है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, स्पाइक्स हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कल कोशिश मार्केट की यही रहेगी कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो रिकवर करने की कोशिश करता है। अब
रेसिस्टेंस लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस लेवल्स जो हमारे हैं, अगर हम यहाँ पे वाली चार्ट की बात करें, तो 18,000 का लेवल है जो इनिशियली एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, जहाँ पर निफ्टी आज क्लोज हुआ है, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 18,000 एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। कल अगर 18,000 के ऊपर खुलता है, चांसेस कम है, चांसेस है मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलेगा। तो अगर फ्लैट खुलता है, 18,000 के ऊपर जाता है, तो ये फिर 100 पॉइंट का मूव बहुत जल्दी दिखा सकता है। 18,100 से लेके 18,120 तक के लेवल हम देख सकते हैं। और अगर मार्केट में हमें एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो करीब 18,200 से लेके 18,240 तक का भी हो सकता है, तो कल एक बड़ी रेंज में यहाँ पर ट्रेड निफ्टी कर सकता है। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में मुझे लगता है काफी अच्छा मौका होगा, जहाँ पे आप बॉटम फिशिंग यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं सपोर्ट जोन काफी बड़ा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इतना बड़ा सपोर्ट जोन के साथ आप यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। तो बहुत ही केयरफुली आप यहाँ पे ट्रेड प्लान्स कीजिए, क्योंकि कल का जो सेशन है काफी वॉलेटाइल हो सकता है, स्पाइक्स यहाँ पे बन सकती है, कल का ट्रेड काफी डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।